तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे एशियन के लेटेस्ट आर्टिकल सुपरस्टार 01। सबसे पहले इसका प्राइस टैग डिटेल देखिए। आर्टिकल का नाम है सुपरस्टार 01, ब्लैक कलर का है, 2549 रुपए इसकी एमआरपी है और ये डिस्काउंट के बाद 1200 रुपए से लेके 1400 रुपए में आपको हर जगह, वो चाहे ऑनलाइन हो चाहे रिटेल हो, आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसके लुक की बात करते हैं। तो आप इसका लुक देखिए, लुक वाइज एक बहुत ही बेहतरीन लुक इसका दिया गया है। लुक के मामले में तो एशियन बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। इस समय देखा जाए तो जितने भी इंडियन ब्रांड हैं उनमें अगर कोई नई डिज़ाइन लाने की सबसे पहले कोशिश कर रहा है तो वो एशियन ही है। और लुक वाइज ये जूता पास है, लुक में इसके कोई कमी नहीं है। तो चलिए अब हम लोग वन बाय वन इसके क्वालिटी की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके सोल की बात करते हैं। इसका जो सोल बनाया गया उसका नाम है मेगा पिलो टेक्नोलॉजी, मीन्स कि इसमें कम्फर्ट में काफ़ी फोकस किया गया होगा। और मैं बेसिक की बात बताता हूँ जो किस टेक्नोलॉजी पे बना है, उसका नाम क्या है उस पर नहीं बात करते हैं। इसमें जो क्वालिटी यूज किया गया है, जो मटेरियल यूज किया गया, मैं उसकी बात करता हूँ। पूरा ये फाइबर का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, यहाँ से देखिए आप, और बीच में ये देखिए आपका एक गैप है, और गैप होने से भी एक कम्फर्ट आपको मिलता है। और उस स्ट्रक्चर के अंदर इन्होंने ईवा डाल रखा है, तो ईवा और इस सुरंग की होने की वजह से काफ़ी इसमें अच्छा कम्फर्ट मिलेगा। ग्रिपिंग इस सोल में थोड़ा कम आता है, तो रनिंग के लिए इस जूते को नहीं यूज करिएगा। बाकी कंफर्ट के लिए ये जूता बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके जो फाइबर की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा कंफर्ट मिल रहा है मुझे। और इसमें जो टेक्नोलॉजी, जैसे ये सुरंग वगैरह है, तो पैर पड़ने पे यहाँ पे जो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा दबाव मिलेगा, तो कंफर्ट के मामले में ये सोल इसका अच्छा रहेगा। बाकी इसमें इंसोल देखा जाए, ये देखिए इस जूते में मेमोरी फोम थेरेपी इंसोल का यूज किया गया है, जो कि एक अच्छा इंसोल होता है। लेकिन अगर इसमें पीछे से भी एक कपड़ा लगा के इसको कवर कर देते तो और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाता। फिलहाल इसके आगे थोड़ा जो कपड़ा लगाया गया है उससे पसीना वगैरह सोखने की इसमें थोड़ी सी चांसेस हैं। और एक इसके देखिए स्ट्रक्चर को एक इसमें उभरा हुआ बनाया है, जहाँ पैर आपका पड़ेगा तो एक कवर साइड से भी आपको एक अच्छा सा कम्फर्ट इसमें मिलेगा। अंदर से स्टिचिंग वगैरह काफ़ी अच्छी की गई है। अंदर हाथ डाल के देखते हैं, इसके नीचे साइड में भी फोमिंग का यूज किया गया है, और अपर जो मटेरियल बनाया गया है वो भी काफ़ी अच्छा मटेरियल है, काफ़ी उभरा हुआ है। जो इसका मेस यूज किया गया वो काफ़ी उभरा हुआ है। डिज़ाइन वाइज जो इसका स्ट्रक्चर है ऊपर से, वो भी बेहतरीन डिज़ाइन बना रहा है। साथ में अंदर से जैसे मैंने बताया फोमिंग वगैरह यूज किया गया है, तो अंदर से भी कम्फर्ट आपको अच्छा मिलेगा। पूरा मेस पे इसका अपर बनाया गया है, तो ब्रीदेबल बहुत अच्छा रहेगा, इसमें वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके रिबन की क्वालिटी सेम है जैसा हमेशा आता है, ब्लैक कलर है, साथ में डॉटेड है, तो रिबन वही क्वालिटी दिया गया है। रिबन जहाँ से टाइट होता है, ये देखिए साइड में यहाँ पे रेक्सिन और प्लास्टिक का यूज करके साइड में लगाया गया है, जिसके वजह से लेसेस की लाइफ और इसके टाइटनेस भी काफ़ी अच्छी मिलेगी आपको। इसमें फोमिंग वगैरह काफ़ी अच्छा यूज किया गया है, बैक में हो चाहे वो टंग में हो, दोनों जगह फोमिंग काफ़ी अच्छा बनाया गया है। अगर इसके ब्रांडिंग की बात किया जाए तो ब्रांडिंग सोल पे नहीं यूज किया गया है, बस इन्होंने यहाँ पे लिखा है जो टेक्नोलॉजी का नाम है मेगा पिलो टेक्नोलॉजी, वो इन्होंने लिखा है। बाकी एशियन कहीं पे भी आपको नहीं देखने को मिलेगा सोल में। एशियन का लोगो आपको टंग में मिल जाएगा, पीछे साइड भी और आगे साइड भी, और एक एशियन का लोगो यहाँ मिल जाएगा जूते के अपर के बैक एरिया में, इधर साइड भी इधर साइड भी, तो दोनों जगह आपको एशियन मिल जाएगा। बाकी एक टैग ऐसा लगा रहेगा। तो चलिए अब इसका वेट करके देखते हैं, इसका वेट क्या आता है। तो ट्यूब वाला सोल का यूज किया गया है, तो वेट 340 ग्राम के आसपास होना चाहिए, नहीं उससे भी ज़्यादा है। इसका वेट 380 ग्राम है। अगर फाइलोन सोल के जूते से कंपैरिजन किया जाए तो 50 ग्राम से लेकर 70 ग्राम के बीच में अंतर रहता है वेट में, उसी हिसाब से इसका वेट भी है। अगर फाइलोन सोल होता तो 320-340 ग्राम के अंदर ही वो जूते आ जाते हैं, लेकिन जहाँ ट्यूब लगा इसका वेट बढ़ जाता है। इस जूते में और भी कलर वेरिएंट आते हैं, डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया है, वहां से आप देख सकते हैं इसमें और क्या कलर ऑप्शन है। एक बार पूरे जूते का मैं समरी एक दो शब्दों में देना चाहता हूं। तो ओवरऑल देखा जाए तो 1200 से लेके 1400 के बीच में इतना बेहतरीन जूता कोई भी ब्रांड नहीं दे पाएगा। सोल इसका ठीक ठाक है, फैशनेबल सोल है, पार्टी वियर के लिए यूज कर सकते हैं, डेली यूज के लिए भी इस जूते को यूज किया जा सकता है। अपर काफ़ी अच्छा है, ब्रीदेबल है, और इसके जो कटिंग है ऊपर से डिजाइन बनाया गया है वो भी बहुत अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा बनाया गया है। वेट ठीक ठाक ही दिया गया है। अगर आप ट्यूब वाला सोल के जूते लेंगे तो वेट इतना ही रहेगा, इससे कम तो नहीं होने वाला है। और इसकी प्राइसिंग भी 1500 के अंदर है। 1500 के अंदर ऐसे जूते कोई भी ब्रांड हो, वो चाहे ब्रॉस हो, चाहे वो कैंपस हो, कोलंबस, लखानी, लगभग लगभग इसी रेट में दे देंगे, लेकिन
कैंपस और एब्रॉस 2000 के आसपास ही देंगे, तो उस हिसाब से ये जूता परफेक्ट है। तो मैं आशा करता हूँ एशियन के सुपरस्टार 01 की अनबॉक्सिंग और रिव्यू आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।